उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का दावा किया गया था, लेकिन बदकिस्मती से सड़कें गड्ढा मुक्त तो हुई, वो भी कागजों पर, लेकिन गड्ढा मुक्त सड़कें आज तक नहीं हो सकी। देश के वीवीआईपी जनपद कहे जाने वाले अमेठी जिले में मुसाफिर खाना से पारा मार्ग और कादुनाला से थौरी मार्ग पर गड्ढों को लेकर समाजवादी पार्टी के विधायक राकेश प्रताप सिंह ने 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर महात्मा गांधी जी से प्रेरणा लेते हुए शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात को मनवाने के लिए सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ सड़क पर उतरे और सरकार और प्रशासन का विरोध करते हुए जनपद मुख्यालय गौरीगंज स्थित कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां पर विधानसभा अध्यक्ष उत्तर प्रदेश उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और अमेठी की सांसद केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी अरुण कुमार को सौंपा। इस ज्ञापन में उन्होंने सरकार और शासन प्रशासन को 30 अक्टूबर की समय दी, अगर तब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती तो वो 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर विधायक पद से इस्तीफा देकर लखनऊ के GPO स्थित गांधी पार्क में आमरण अनशन पर बैठ जाएंगे। दो सड़कों को लेके जो PMJFY द्वारा 2016 में बनवाई गई थी, जो बनने के बाद से ही ध्वस्त हो गई है और उस पर मरम्मत का कोई काम नहीं किया गया है, जिसको मैंने प्राकलन समिति में उठाया, दो बार नियम 51 के तहत सदन में उठाया, सरकार का आश्वासन आया कि 3 महीने में से कम समय में इन सड़कों को मरम्मत कर दिया जाएगा, लेकिन सदन से लेके सड़क तक, प्राकलन समिति से लेके अधिकारियों तक 3 साल से लगातार उस पर, और 3 जिलाधिकारियों ने भी पत्राचार किया है और 1 गिट्टी तक विभाग द्वारा उस पर नहीं डाली गई है, और उसके बाद लगातार आश्वासन पे आश्वासन दिया जा रहा है, लोगों को बचाने का काम किया जा रहा है, विभाग के द्वारा किए गए खराब को छिपाने का काम किया जा रहा है, तो मजबूरन मुझे आज पूज्य गांधी जी की जयंती पर जिलाधिकारी अमेठी को ज्ञापन देना पड़ा है। और अगर 30 अक्टूबर तक इस पे सकारात्मक रुख ना अपनाया गया शासन और प्रशासन द्वारा, तो पटेल जी की, पूज्य पटेल जी की जयंती पर 31 अक्टूबर को विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देते हुए पूज्य गांधी जी की प्रतिमा पर GPO पार्क हजरतगंज चौराहे पर अनावरत अनशन पर बैठ जाऊंगा जब तक समस्या का निस्तारण नहीं होता है।